हुण तुहानूं उद्योगां दे हालात दिखाउने आ। सूबे ते मंडराए बिजली संकट ने किसानां दे नाल नाल लोकां दीआं सनअतां ते वी डूंघी सट मारी है। इस नाल उद्योगपतियां दे चेहरे मुरझाए होए ने। बिजली विभाग वल्लों सूबे च 3 दिनां लई एलाने गए इंडस्ट्री कट तों उद्योगपति दुखी ने ते कैप्टन सरकार नूं समस्या दा हल करन दी अपील कर रहे ने। पंजाब में चल रहे बिजली संकट के नाल जिथे देश का अन्नदाता आम लोग परेशान ने उत्थे पंजाब की इंडस्ट्री नूं वड्डी मार चलनी पै रही, क्योंकि सूबे में 4 तरीक तो लैके 7 तरीक तक इंडस्ट्री नूं बिजली सप्लाई बंद रखने का ऐलान किया गया सी। उस तो बाद जदों ही 7 तरीक नूं बिजली सप्लाई शुरू की गई तो नाल ही 7 तरीक नूं शाम नूं एक नवां फरमान जारी कर दिया गया अगले 3 दिन के लिए, यानी कि 8 तरीक सवेरे 8 बजे तो लैके 11 तरीक सवेरे 8 बजे तक बिजली के नागे का। तो हुण तस्वीरां सांझियां कर रहे असीं इंडस्ट्री एरिया बल कलां दी, जिथे ये बंद पई है मशीनां अते उद्योगपतियों के चेहरे ते शाही शाही मायूसी साफ तौर पर बयान कर रही है कि उद्योगपति किड्डे निराश नज़र आ रहे हैं सरकार के इस फैसले तो, क्योंकि आर्थिकता की जे गल की जाए तो देश नूं तरक्की दे राह ते लिजाण दे लई इंडस्ट्री का वधना फुलना बेहद जरूरी है। पर अज उद्योगपति जिहड़े वड्डे वड्डे टैक्स भी भरते हैं, बड़ी महंगी बिजली खरीदने लिए भी मजबूर ने, वो परेशान नज़र आ रहे हैं। आपां जी सब तो पहला अपना नाम दस्सो। जगदीश चंद्र, चेयरमैन बलकलां एसोसिएशन। की कहना चाहोगे सरकार वालों जारी किए गए इस फरमान के बारे? सर की कहना, असी तो देख दे के सरकार दीयां नीतियां हैरान हो गए हाँ भी जिहड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट काम करता है लखां रुपये करोड़ां रुपये टैक्स दे रहा है हिंदुस्तान की तरक्की लई, उस कर दे उत्तों सारी जनता नूं रिलीफ मिलती है। ये लोग सरकार जिहड़ी है ये इंडस्ट्रियलिस्ट जिहड़ा कि मतलब कि नीह पत्थर हुंदा किसी भी देश का, उन्हूं छड के उन्हूं सहूलतां देण तों बिना उही जिहड़े असी कर दिंदे आ उह जिहड़े गरीबां नूं दिंदे आ उह इस करके दिंदे आ भी सानूं वोट बैंक मिले, तो वह ये चीज़ वाल ध्यान नहीं देंगे भी असी देश की भी तरक्की करनी है, सिर्फ अपने वोट बैंक नहीं देखने। कट लगन लग पाए काम, सारी इंडस्ट्री फिर बंद हो गई, सारी लेबर वेली है, असी लोग सारे वेले हैं। सरकार ये कहती वड्डा यूनिट लगाओ कोई ना, जिहड़ा वड्डा यूनिट लगाता है उन्होंने कट लगते हैं, छोटे यूनिट कोई कट नहीं लगता। इस करके मेरे हिसाब नाल साडी पंजाब सरकार की नीतियां बड़ी गलत है। जे कट लगाना तो सब ने इको जो कट लगाओ 50% 60% के नाम सारे चलन, सब की माड़ी मोटी रिलीफ मिले। ठीक है बत्ती की शॉर्टेज है कट लगाओ, पर सारे इको ही लगाओ ना। फैक्ट्री से काम करता पाया तो बत्ती के कट के कारण बड़ा काम खराब हैगा, काम ही नहीं चलेगा तो सानू काम मिलना नहीं, तो इस वजह से बड़ी दिक्कत है। सारे वेले पे हैं क्योंकि बत्ती का कट हैगा तो इंडस्ट्री चलती नहीं पई, उस वजह से सारे यूनिट बंद पे हैं तो बड़ी परेशानी आ रही है। आदि स्टेटा ने सारे के बीच ही साढ़े कंपैटिवली बिजली बहुत सस्ती है, सानू ऑलरेडी महंगी बिजली मिलती सी, पहले ही लोग बाहरों इतों कोई भी इन्वेस्टमेंट करने तैयार नहीं गा इतने के हालात मुताबक, तो दूसरा बैठे भी असं बॉर्डर पर आ गए तो इस करके इतने इंडस्ट्री लाने तो पहले कोई तैयार नहीं सीगा। पर जो हुण हालात ने तुसीं देखो ना भी इन्नी महंगी बिजली लै मतलब सानू देण दे बावजूद भी सानू बिजली नहीं मिल रही। तुहानू मैं हुण अज किन्ने यूनिट बींगे प्रधान तुहानू विजिट कराए ने, सारी इंडस्ट्री बंद पई है, लेबर है जिहड़ी घट्टो घट 10,000 बंदा जिहड़ा इत्थे बेला तुरिया फिर रहा है, तो उहनां दा साढ़े घर च रोटी मिले ना मिले सानू पहला उहनां दा रोटी पानी का प्रबंध करना पैना, नहीं तो साडी लेबर दौड़ जानी है तो साडियां फैक्ट्रियां परमानेंट बंद हो जाणियां ने। कैमरा पर्सन अवतार सिंह दे नाल मनिंदर सिंह मोंगा, पीटीसी न्यूज़ बलकला।